श्री शिवाय नमस्तव्यम, हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर किसी के फैमिली मेंबर में अगर कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, होता है कभी कभी कि छोटे बच्चे होते हैं तोतला के बोलते हैं या हकलाते हैं या थोड़ा बड़े भी होते जाते हैं तो फिर भी ये प्रॉब्लम जाती नहीं है, तो आपको इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है जो कि गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है। उपाय किस प्रकार से करना है, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये उपाय आप लोगों ने समझ लिया किसके लिए करना है, कोई भी बच्चा हो अगर तोतलाता है या हकलाता है उनके लिए ये उपाय को करना है। उपाय बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, उपाय करने के लिए आपको क्या चाहिए, बेल देख रहे हैं आप मेरे स्क्रीन पे, ये आपको एक बेल का फल चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। बेल फल को आपको इस तरह से साफ करना है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर से काट देंगे इस भाग को हल्का सा यहाँ से निकाल के, उसके बाद इसके अंदर जितने भी फल हैं इसको निकाल लीजिए आराम से। फल निकालने के बाद साफ हो गया ये, साफ होने के बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर जल डालना है। जल जैसे ही आप भर देते हैं, जल भरने के बाद आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर आपको सिर्फ जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाइए महादेव से, आपकी जो भी प्रॉब्लम है बच्चे के रिलेटेड उसे बोलिए महादेव से। और ये जो जल यहाँ से जलाधारी से जैसे ही नीचे आएगी, कोशिश करना क्या है आप लोगों को, इस यहाँ पे जल को क्या करना है, सारे जल को प्राप्त कर लेना है। जितना भी जल है, जितना हो सके आपसे उतना जल को प्राप्त कर लीजिए। उतना जल प्राप्त करने के बाद क्या करना है, बच्चे को पिलाना शुरू कर दीजिए। अब सबसे अच्छी बात आती है कि उपाय कब करना है। देखिए, उपाय आपको सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है और कम से कम आप 5 दिन इस उपाय को कीजिए। महादेव की कृपा से बिल्कुल जो भी बच्चा हकला रहा है बिल्कुल सुधार आना शुरू हो जाएगा। और एक छोटी सी बात यह है कि देखिए, सोमवार के दिन ही आपको जल पिलाना, जो जल आप लेके आ रहे हैं उसी दिन बच्चे को पिला दीजिए। और जब 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 जल पिला रहे हैं, जैसे कि होता है एक घूंट ले रहे हैं या आचमन कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और जल पिलाते रहे बच्चे को। महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों दूसरी दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।